अगर तूने किया बेटा, अब सुन रहे हो तुम, मुड़ के लड़ाई के मूड में आ जी। बड़े प्यार से बैठी आज, थे टिक के नहीं बैठती नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, मजा आ रहा है भाई। क्या है भाई, यहाँ पे कोई पक्का बच्चा बच्चा हुआ है? पूरा जमा पड़ा है, ऐसे लग रहा है कि जिम्स में सोना होता है, यहाँ पे फ्रीजिंग रूम बना पड़ा है। जय श्री राम, राधे राधे, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मौसम फिर से थोड़ा सही हो गया, खुल गया है, धूप आ गई है, अच्छी बात है। वैसे तो धूप ही रहनी चाहिए यहाँ पे, जब तक धूप है तब तक घूमने का मज़ा आता है इधर उधर, मतलब तो थोड़ा सा ठंड होगी ना फिर घूमने का मज़ा ख़राब हो जाता है। बाकी आज घूमना नहीं, आज क्लास है और 1:30 बजे क्लास है, तो आज सही टाइम पर मैं उठ गया हूँ। 1:30 बजे क्लास है बट मैं 9 बजे उठ गया था, नहीं तो मैं ऐसे हूँ कि लेट क्लास है तो फिर लेट ही उठना था ना। चलो चाय बनाते हैं, इधर बनाते हैं चीज़ सैंडविच, खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, शुरू करते हैं दिन। तो भाई चाय नाश्ता हो गया, सब एडिटिंग कर दी है, व्लॉग हो गया पब्लिक, वैसे एक शॉर्ट भी डाल दिया है। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही कंसिस्टेंट हो गया हूँ, नज़र ना लगे मेरे को, खुद को मेरी लग जाती है लगता है। धूप बढ़िया आई है आज, थोड़ी देर बैठता हूँ मैं धूप में क्योंकि तो थोड़ी ठंडी है अंदर, नाक मेरा ऐसे ना अलग सा ही हो रहा है। हेलो जी, आओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे को पता था आएगी ये आवाज़ सुन के। इधर आ। अगर तूने किया बेटा, अब सुन रहे हो तुम, मुड़ के लड़ाई के मूड में आई जी, लड़ाई के मूड में आया तू है। अच्छा आज भूख नहीं लगता इसको। चलो खाना डन, अब इसने अपनी जगह ले ली है। बड़े प्यार से बैठी आज, थे टिक के नहीं बैठती नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है इसको तो। चल सो जाओ। भाई तैयार व्यार मैं हो गया हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, फ्रेश हो गया पूरा, शक्ल सही होगी। अब चल रहे क्लास से, पहले इसको निपटाते हैं। 12:30 हो गया, 1:30 बजे की क्लास है, बाकी 50 मिनट्स लगेंगे जाने में, लगभग 50 मिनट लग ही जाएंगे, दो बस मतलब बस चेंज करनी है क्योंकि बीच में। तो भाई 12:40 हो गए, भागते हैं फटाफट। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So. सामने वाली लग रही है बिल्डिंग। भाई 10 मिनट लेट हो गए, अभी तो जाना है। और सबसे पहला मैसेज ग्रुप में मेरा ही था कि हाँ टाइम पे आ जाएंगे। भाई 10 मिनट लेट हो गया, भाई बस ही नहीं आई थी टाइम पे, ट्रांसफ़र बस थी ना तो लेट हो गए। बगलो भाई, हॉस्पिटल तो हमारा ये है बट हमारी मैम ने कहा बाहर वेट करो। बाहर कहाँ वेट करें, कोई एंट्रेंस तो बताया नहीं कि हम कहीं और ही खड़े थे, यहाँ तो मैम खड़ी हैं बाहर। रिकॉर्ड हो रहा है ये भाई, क्या है भाई, यहाँ पे कोई पक्का बच्चा बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है किसी की, फंक्शन चल रहा है हॉस्पिटल के बाहर। भाई 4 बज गए घर पे आते आते, पूरा दिन बर्बाद हो गया आज का। हम अभी घर आए हैं बिल्कुल, और ये मैडम अंदर बैठी थी आज कार्टून के अंदर, ये उस कार्टून के अंदर बैठी थी, पता नहीं कहाँ से घुसी है। भाई प्रेजेंटेशन इतनी गंदी हो सकती है मतलब, बट स्वाद बहुत है मेरे को पता है, देखो एक बार स्वाद है ठीक है। अब यार थोड़ी गर्मी हो गई है, हीटर चल रहा है ना, खोलते हैं इसको, अब भूख लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। 4:30 हो गए, 4 तो वहीं बज गए थे भाई, आगे खाना वाना खा के 7 बजे तक नींद आई, 8:30-9 तक मेरी नींद खुली है। चलो भाई जिम बैग तैयार है, सब कुछ डाल लिया सामान वामान, चलते हैं बाहर, बहुत ठंड हो रही है भाई। मैंने एक तो हुडी पहनी है, एक ऊपर जैकेट पहनी है, आई होप दिस इज इनफ।
इधर मेरे को वैसे इतना दुख होता है, नया घर बना था और मैं बस महीना डेढ़ महीना रह पाया। यहाँ मेरे घर वाले मम्मी पापा दोनों मजे के डांडिया खेल रहे हैं भाई नवरात्रि में। यार अब तो याद आ रही है मेरे को, ज़्यादा याद आ रही है। चलो सही है, कोई तो एंजॉय कर रहा है घर में से। यहाँ तो रोज़ भाई एक ही स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, लगी पड़ी है ज़िंदगी की, हम झंड ज़िंदगी भाई। हमारी 5 मिनट में बस आ रही है इसलिए भाग रहे हैं हम। ठंड देख रहे हो, 7 डिग्रीज में ये हाल है अभी तो भाई। जब 2-3 दिन के गैप में आते हैं ना तो पूरी स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, आज अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर लगाऊंगा आज मैं स्ट्रेचिंग करने में, फिर वर्कआउट शुरू करेंगे। रिस्क नहीं लेने का भिड़ू, क्योंकि एक इंजरी और ख़त्म। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Chalo bhai, ab karte hain shuru proper workout. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Hello, bhai, 11:30 ho gaya aaj lagbhag. Late ho gaya kafi. Yahan pe khidkiyan khulli padi hain, pura jama pada hai. Aise lag raha hai ki freezing room bana pada hai. Baaki gyms mein sona hota hai, yahan pe freezing room bana pada hai. Jam raha hu bhai main. पहले सबसे सही रूम लगता था एम्बिएंट टेम्परेचर। चलो भाई, आज मैंने जिम टी शर्ट के ऊपर ही पहन ली क्योंकि बाहर बहुत ठंड है तो लेयरिंग हो गई एक तरह से। बाकी चलते हैं, अब लेट हो गए काफ़ी। यार मेरे को ना बड़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग सी आ रही है कि ना मैं जब सुबह उठूँगा ना तो मेरी हालत टाइट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ फीवर। तो अभी मेरे को हल्का सा लग रहा है, जाके यार दवाई लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को लग चुकी है ठंड। जो मैं परसों गया हूँ ना बारिश में जिम, और मैं थोड़ा सा भीग गया था, पैर वैर गीले हो गए क्योंकि जूते गीले हो गए थे पानी से, और फिर आते आते गाड़ी वाले ने पानी उछाल दिया मेरे ऊपर। भाई जिम से आके इसको लगा दिया एक्सपोर्ट पे, इधर बन रही है सब्जी, अगर मैं बनाता हूँ रोटी। अब पहले उससे प्रोटीन शेक बनाता हूँ पहले, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने पिया ही नहीं है। भाई 1:30 बज गए, खाना बनाते हैं आज, क्योंकि पहले आके मैंने प्रोटीन शेक बनाया, फिर थोड़ा सा अपलोड लगाया, उसको टाइम लग गया, आटा गूंदा सब कुछ किया। तो भाई अब मेरी हालत हो गई बुरी, ख़त्म करते हैं अब खाना वाना खा के मैं सोऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर देना, अगर ब्लॉग अच्छा हो लाइक कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, राधे राधे।